हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस फ्रेश न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वेबसाइट्स के बारे में बात करेंगे जिसमें कुछ आपको भी देंगे और कुछ वेबसाइट्स से आपको कुछ जानकारियाँ मिलेगी या कुछ यूज़फुल वेबसाइट्स है। तो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है शोकत और आप देख रहे हैं एडुटॉक इंडिया। तो इसको देखने के लिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलेंगे और देखेंगे पूरे डिटेल्स को। तो दोस्तों अभी हम लोग अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैं अभी अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करूँगा। ठीक है, ओपन करने के बाद मैंने ये सारी वेबसाइट्स टैब्स में रखी हुई है। तो हम पहली वेबसाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ये है फ्लैग वेब। दोस्तों सारे वेबसाइट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो डोंट वरी। तो ये फ्लैग वेब है, इसका खासियत ये है कि इसमें जो भी आप डालेंगे, मतलब जो, चलिए मैं हमारी चैनल की लोगो डाल के दिखाता हूँ आपको। मैं एक फाइल में जाऊँगा और इसको चैनल के लोगो को यहाँ से एक्सेस करूँगा। ठीक है, तो ये देखिए अभी एडुटॉक इंडिया जो है वो लहराता हुए दिख रहा है। ऑल ऑप्शंस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो इसको आप होस्टिंग पे यहाँ से कर सकते हैं, टॉप से, बॉटम से, इसको आप बहुत सारे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल, इसको ऐसे, क्रॉस ओवर, गैलरी। तो दोस्तों इसको आप बहुत सारे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और ये कुछ काफ़ी फन टाइप्स का है, तो आप इसको ज़रूर एक बार चेकआउट करें। दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो वेबसाइट्स है वो है हैकर टाइपर। दोस्तों रियल वर्ल्ड हैकर्स के बारे में आपने शायद किसी बहुत सारी मूवीज़ में भी देखी होगी, या अगर आपका कोई जान पहचान वाला हैकर है, एथिकल हैकर है तो आप शायद जानते भी होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, जो मूवीज़ में दिखाया जाता है हमेशा हैकर्स बहुत स्पीड में टाइप करते, वो दैट्स नॉट रियल एक्चुअली, वो कभी रियल नहीं होता। क्योंकि कभी भी आप अगर इसी यहाँ पे कोई ऑडियंस मेरा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है, कंप्यूटर इंजीनियर है, तो वो समझ सकता है कोडिंग बहुत इतनी जल्दी नहीं होती, उसको समझ के टाइप करना होता है। खैर छोड़िए, अभी आपको मान के चलिए किसी फ्रेंड दोस्त को आपका इसको प्रैंक करना है। ठीक है, आपको दिखाना है कुछ कूल टाइप का, तो आप इसको दिखा सकते हैं। इस हैकर टाइपर वेबसाइट को खोल कर आप इसमें कुछ भी टाइप करें, कुछ भी रैंडमली, जो कुछ आपकी मर्जी में है। लेकिन ये ऐसे दिखाएगा इसमें कि जैसे आप इसमें कोडिंग कर रहे हैं, हैक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैं कुछ भी रैंडमली टाइप कर रहा हूँ और ये ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही कूल टाइप का वेबसाइट है, आप इसको ज़रूर एक बार चेकआउट करें। दोस्तों हमारे लिस्ट की तीसरी वेबसाइट है ये डोमिनो फ्लिपर। दोस्तों इस वेबसाइट में आपको इस तरह से एक कार्डबोर्ड दिया जाता है जिसमें आप इसको डोमिनोज, आप समझते हैं ना, इस तरह से, रुकिए इसको मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ, हाँ, तो इस तरह से बहुत सारे डोमिनोज आपको मिल जाएंगे। और जैसे हम लोग गेम्स में करते हैं ना, सीरियल में इसको, हाँ मैंने सीरियल कर दिया इसको अभी, हाँ इसको देखिए, अभी मैं इसको एकदम बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह, बिल्कुल ये रियल वर्ल्ड की तरह काम करता है, जिसमें वर्चुअली आप इसको सजा सकते हैं, इसको बना सकते हैं, इससे कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं और इसको ऐसे फेंक सकते हैं, फेंक भी सकते हैं, मतलब ऐसे करके। तो आप इसको ज़रूरी पर चेकआउट करें। दोस्तों हमारे लिस्ट की जो वेबसाइट है वो शायद बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वेबसाइट है। जैसे कि अभी तो जो भी कोई नया वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो उसको साइन अप करना ज़रूरी होता है, लेकिन हर एक वेबसाइट की डाटा हमें ज़रूरत नहीं है, उसको उसकी ज़रूरत हमें नहीं है, जस्ट हम चेकआउट करना चाहते हैं तो भी साइन अप करना पड़ता है। तो इसके लिए आप एक टेम्पररी ईमेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेबसाइट का नाम है टेम्प मेल, तो इसमें आपको एक टेम्पररी मेल दिया जाएगा जिसको आप यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, आपने कॉपी कर लिया, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी करके जिधर पेस्ट करना है उधर पेस्ट कर सकते हैं उस, और वहाँ से अगर कोई वेरिफिकेशन के लिए मेल भेजता है तो आपको यहाँ पे
ये इनबॉक्स दिख रहा है ना आपको, ये अभी एम्प्टी है, इनबॉक्स इज एम्प्टी, लेकिन यहाँ पे आपको वो शो होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगते हैं क्योंकि मैं हमेशा काफ़ी कुछ वेबसाइट्स ट्राई करते रहता हूँ। तो अगर आप मेरी तरह हैं तो आपको बहुत ये ज़रूरत होगा। तो दोस्तों हमारी लिस्ट की फिफ्थ जो वेबसाइट है वो है जूम क्वेड। दोस्तों ये एक काफ़ी मज़ेदार वेबसाइट है, इसमें एक इमेज दिया जाता है जो इनफाइनाइटली जूम होता है, ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसको आप इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, ये इनफाइनेटली जूम होता रहेगा। तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप इसको जाके एक बार ज़रूर चेकआउट करें। तो हमारे लिस्ट की नेक्स्ट वेबसाइट है पॉइंटर। दोस्तों ये वेबसाइट मुझे पता नहीं कैसे बनाया गया, इसमें एक ऐसे एल्गोरिदम है कि आप ये माउस का कर्सर जो है ना इसको मूव करके कहीं भी इसे क्लिक करें, ठीक है, ऐसे क्लिक कर दिया मैंने एक, अभी जस्ट ए मिनट में ये देखिए एक फ़ोटो शो होगा जो आपकी माउस के क्लिक पॉइंट को फिंगर कर रहा होगा, मतलब जिस जहाँ पे आप माउस का कर्सर रखेंगे वो उधर ही शो कर रहा होगा, जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया तो अभी एक फ़ोटो आएगा, ये देखिए अभी यहाँ पे लगा दिया तो अभी एक फ़ोटो आएगा जिसमें हाँ ऐसा। तो दोस्तों आप इसको ज़रूर एक बार चेकआउट करें, काफ़ी कूल है और बहुत ही मतलब जिन्होंने बनाया है काफ़ी इंटेलिजेंट है, और दुनिया के वो सारे फ़ोटोज़ शायद यहाँ पे हैं जो पॉइंट फिंगर करके कैप्चर की गई। तो हमारी नेक्स्ट वेबसाइट है एसे ट्राइपर। दोस्तों ये स्पेशली मैं स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंड करूँगा, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पर आप कोई भी जैसे मैं टाइप करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग करके यहाँ पे लिखता हूँ, तो इसके ऊपर सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक के ऊपर आप यहाँ पे कीबोर्ड पे रैंडमली कुछ भी टाइप करें, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे एक ऐसे रेडी हो जाएगा, ठीक है, इसके सिविल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग। तो आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, ये फेक नहीं है, यूज़ भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी आपको मान लीजिए आपके कॉलेज में या क्लास में किसी ने आपको एक ऐसा टॉपिक दे दिया जो आपको जिसके बारे में आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आप इस वेबसाइट के इस्तेमाल करके उसको दिखा भी सकते हैं एंड आप मतलब तुरंत जवाब दे सकते हैं कि देखो मुझे पता है ऐसा कुछ। तो दोस्तों आप इसको ज़रूर एक बार चेकआउट करें। हमारे लिस्ट के नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो है इंटरनेट मैप। दोस्तों आपको पता है कि इंटरनेट बहुत बड़ा, लेकिन इस वेबसाइट में आपको इंटरनेट की जितनी बड़ी मतलब ये इंटरनेट को एक यूनिवर्स की तरह दिखाता है, और इसमें जो भी सबसे बड़ा वेबसाइट है वो सबसे बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे आपको सबसे बड़ा ये दिख रहा है ना, कैन यू गेस कौन सा वेबसाइट है, अगर आपको पता है तो आप वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए google.com, ये दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है एंड पूरे इंटरनेट की, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है 50.347% एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ ग्लोबल इंटरनेट यूज़र्स, तो ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है फेसबुक, तो ये पूरी आप लिस्ट चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हैं, live.com 7th, blogspot.com 6th, ठीक है, तो YouTube 3rd है, एंड ये क्या था, हाँ yahoo.com। तो दोस्तों आप पूरी इसको चेक कर सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो है फ्लाइट रीडर। तो इसमें जो भी करेंटली अभी जो फ्लाइट्स स्काई में है, जो फ्लाइट्स चल रहा है, वो सारे आप इसमें इससे देख सकते हैं। दोस्तों ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि ये कितना एक्यूरेट है, बट हाँ ये काफ़ी मज़ेदार है एंड आप इसको देख सकते हैं, देखने में भी खूबसूरत है। एंड आप यहाँ पे कोई भी फ्लाइट, कोई भी रैंडमली कोई भी फ्लाइट आप क्लिक करिए, आप उसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो बहुत ही अच्छा है, एंड उसके फ़ोटोज़ के साथ सारे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं एक यहाँ पे देखता हूँ इंडिया की कोई भी एक फ्लाइट, चलिए इसको थोड़ा सा चेक करते हैं।
थोड़ा सा बैक जाता हूँ मैं। इंडिया 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 इंडिया, हाँ इंडिया मिल गया। तो इंडिया की कोई भी फ्लाइट्स, हाँ दिल्ली का, ये न्यू दिल्ली का है। तो अभी इसको, हाँ ये देखिए पेरिस से, ये फ्लाइट्स का डिटेल्स है, आप इसको चेकआउट कर सकते। तो दोस्तों हमारे लिस्ट के नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो है जीटी मैट्रिक्स। दोस्तों जीटी मैट्रिक्स एक ऐसी वेबसाइट है जिस जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, और ये हमारी वीडियो की लास्ट वेबसाइट है, आई मीन टेंथ वेबसाइट। तो इसका ये खासियत है कि आप इसमें, चलिए मैं इसको फ्रेशली ओपन करता हूँ जीटी मैट्रिक्स को। जीटी मैट्रिक्स, हाँ तो जीटी मैट्रिक्स को ओपन करने के बाद आपकी कोई भी अगर पर्सनल वेबसाइट है तो उसकी टेस्ट रिजल्ट आप देख सकते हैं। मतलब उसमें कितनी व्यूज है या कितनी एसईओज हुई या नहीं। तो मैं इसमें अपना पर्सनल वेबसाइट, एक डमी वेबसाइट है, मैं इसको टाइप करता हूँ। ये फ्री वेबसाइट है मेरा, काफ़ी पहले बनाया हुआ है कि मैं इसको इस्तेमाल भी नहीं करता, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ। ठीक है तो चलिए इसको, अभी एनालाइज हो रहा है, तो एनालाइज होने के बाद देखते हैं इसमें क्या होता है। फिलहाल ये तो मतलब मैं तो इसको मैनेज भी नहीं करता, और ये भी फ्री लिया हुआ है एंड होस्टिंग भी फ्री है। तो ये आ गया मेरा वेबसाइट का फ्रंट पेज। ठीक है तो हाँ चलिए अभी इसको, ये देखिए ये दिखा रहा है पेज स्पीड स्कोर डाउन में। खैर छोड़िए, ये तो पता ही था डाउन में होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या कोई भी वेबसाइट्स आपको एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और इन सारे वेबसाइट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, यू कैन डायरेक्टली एक्सेस इट फ्रॉम देयर। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।